वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सवेरे सवेरे जो है बेटे की पैंट प्रेस करके शुरुआत की है दिन की, क्योंकि प्रेस वाला कल कपड़े दे के नहीं गया, तो जो इस पर पैंट रखी होती हैं उसको प्रेस करना पड़ रहा है, तो वो कर रहा हूँ मैं। देख अपनी तो बहुत, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म अपनी खुद की तो मैंने हमेशा प्रेस की है, और दक्ष को भी आती है, अक्ष को भी नहीं आती प्रेस करना, लेकिन बस वही है कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना बैग वैग लगाओ, तब तक मैं प्रेस कर देता हूँ। बात है तो कर रहे हैं प्रेस और फिर जाएंगे स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज सफारी भी वॉश करवानी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है। तो भाई पैंट प्रेस कर दी है और अब अभी जल्दी से तैयार होते हैं, फटाफट से बच्चे छोड़ने चलते हैं, और उससे पहले ब्रश व्रश कर ले, वॉशरूम चले जाएँ फटाफट से। टाइम हो रहा है 7:15 बजे तक निकल रहा है, सिर्फ 15 मिनट में मुझे रेडी होना है, तो होते हैं फटाफट। तो हेलो गाइस, और अभी मैं निकल पड़ा हूँ अपनी गाड़ी वॉश कराने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि गाड़ी वॉश करानी थी, क्योंकि कई दिन से, अब एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि कार वॉश कराऊँ या मतलब अच्छे से, एक होता है फोम वॉश, और अंदर से पूरा वो ड्राई क्लीन करते हैं, सीट्स वगैरह भी क्लीन करते हैं सारा कुछ, या फिर ये करूँ कि पहले मैं हुआ हूँ अपना जो ट्रिप है मेरा, एक क्लाइंट है मेरे जो लुधियाना कल मिलेंगे, तो लेकिन वो आज चंडीगढ़ में ही है, तो मैं सुनूँ लुधियाना ना जाके चंडीगढ़ ही उनसे मिलके और फिर वापस आ जाए। तो अच्छा, इसके साथ साथ क्या है कि चंडीगढ़ उनसे मिलके मैं अगर जैसे अभी 4 बजे आज निकल जाता हूँ, और उनसे चंडीगढ़ में मिलके तकरीबन 9 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे एंड प्रेजेंट, तो एक आध घंटे में उनसे मिलके उसके बाद फिर हम आगे का प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कहीं भी जाना है हमें तो वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए सोच रहा हूँ कि क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो गाड़ी तो गंदी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, अभी बज रहा है 12, तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वॉशिंग में तकरीबन 2 घंटे दें और 12 और 2 फिर वो, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ गाड़ी अंदर से तो सारी क्लीन है मेरी, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, और बाहर से थोड़ी सी गंदी हो रही है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि तकरीबन 10 दिन से गाड़ी वॉश वाला नहीं आया है मेरा जो गाड़ी क्लीन करता है। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, तो मेरा जो दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसका क्या है, इसका मैंने जो बात की फॉर्म वॉश और वो सारा, वो 800 रुपीज़ चार्ज मांग रहे हैं यहाँ पर अपना यूनिटी वन में है, और उनसे काम करते हैं कि हल्का सा बाहर बाहर से थोड़ा सा पानी मरवा के और वैसे ही कपड़ा लगवा लेते हैं, तो देखते हैं वो क्या चार्जेस लेंगे, वो करा के उसके बाद फिर जब वापस आएंगे फिर करा लेते हैं। यार 800 भी बहुत होते हैं भाई, अगर 200-300 लेके काम हो जाता है, क्योंकि गाड़ी तो 100% वापस गंदी होनी है, जब 300-600 किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो गंदी होगी ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, तो मुझे तो यही लगता है। बाकी आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है, क्या करना चाहिए था मुझे। और कार क्लीन करने के बाद फिर वो जो स्टिकर आया है ना, वो वाला, वो स्टिकर भी लगा लेंगे सेंस, वो अभी अपने साथ नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे जब तक मैं वापस आऊँगा, तो एक बार बात कर लेंगे कहाँ पे लगाना चाहिए, वो बैक साइड में या साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, कहाँ पे लगाना चाहिए वो स्टिकर, तो वो बात करके, सोल का तो वो बात करके उसके बाद फिर उसको प्लेस करेंगे कहाँ पे अच्छी जगह, जहाँ भी मिलेगा वो प्लेस करेंगे। और ट्रिप बड़ा मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि मैंने एक आज सुबह ही बात हुई, वो एक्चुअली मैं पार्क में वॉक करने जाते हैं, तो सुबह सुबह ही बात हुई एक फ्रेंड से, तो वो कह रहे हैं कि यार जब आप जा ही रहे हो तो कल सैटरडे है, बच्चों का ऑफ है, और परसों संडे है, तो जब आप जा ही रहे हो तो फिर यार
संडे को वापस आएंगे ना, तो वहीं आसपास कहीं हिल स्टेशन पे भी रहते हैं, शिमला है या जो भी है। तो बात तो ये मास्क लगा रहे हो क्या गाड़ी में? सिंगल हो तो शायद ज़रूरत नहीं है, या है शायद हो यार, क्योंकि कल ही एक मेरे जानकार का चालान कट गया है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप जा रहे हैं तो मतलब वो भी एग्री हो गए मेरे साथ जाने के लिए, उनकी फैमिली भी। तो वो अपनी गाड़ी से, मैं अपनी गाड़ी से और दो फैमिली, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बुकिंग वुकिंग भी करा दी है। तो हमने जो बुकिंग कराई है वो कराई है चहल की, चहल की बुकिंग कराई है। कह रहे हैं बहुत अच्छा, व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो चल के देखते हैं कैसे व्यूज़ हैं चहल में। तो चहल आ रहा हूँ मैं, अभी फटाफट से चल रहा है, गाड़ी जरूर थोड़ी थोड़ी सी साफ़ तो करा ले भाई, खुद की हिम्मत तो रही नहीं गाड़ी साफ़ करने की। मैं तकरीबन 15 साल, 10-15 साल से बिल्कुल गाड़ी पे कभी कपड़ा नहीं मारा, तो बिल्कुल ही हैबिट नहीं रही है। अब हैबिट नहीं रही है तो फिर वही ठीक है ना। तो अब चलते फट से। तो लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट के बाद फिर सीधा पार्किंग थर्ड फ्लोर पे है। तो जाके देखते हैं क्या कैसे क्या करता है वो। रेड लाइट ग्रीन हो गई है तो चलते हैं, और आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या है, कैसे क्लीन करते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़े से पैसों में काम हो जाए, तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आगे। तो गाड़ी जो है वो वॉश करा ली है, उसको बोला तो उसने मेरी बात मान ली, और सिंपल से लड़के को बोल दिया उसने कि बाल्टी ले, पानी ले और गाड़ी को ऊपर से धो के और कर दे क्लीन। तो क्लीन करवा के अब मैं निकल पड़ा हूँ घर की तरफ। तो घर जा रहा हूँ, पहले घर जाके फिर लंच करेंगे, लंच करके उसके बाद फिर देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं। हालांकि कोशिश कर रहे हैं 4 बजे तक निकलने की, और जो टाइम हो गया है वो हो गया है 2:14। और बस अब फटाफट से देखते हैं घर पे क्या प्लानिंग है, क्योंकि घर की अगर तैयारी पूरी होगी, वैसे तो वाइफ अभी बच्चों को लेके आई होंगी, तो अभी मेरे ख्याल से बच्चों को लेके आई होंगी, तो अभी फ़िलहाल वो लंच वंच कर रहे होंगे। यहाँ तक है 2:14 हुए, अभी लंच भी किया, अभी घर पहुँच के कपड़े चेंज कर रहे होंगे जहाँ तक है। तो वो चेंज वेंज करके उसके बाद फिर जहाँ तक है निकलेंगे। तो कोई गल नहीं, करते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं जल्दी से। ये रख लो, लो और आ जाओ बाहर, ये लगाना है। तो अब बारी आ गई है कि हम सोल का जो लेके आए थे ये है, और मैं सोचो इस तरफ लगाएं, ये यहाँ पे दक्ष पकड़ो यार जरा एक बार कैमरा, कैमरे पकड़ो कैमरा। इसी तरफ लगाए ना, आपने वो लिया है मम्मी, वो आईपैड का चार्जर रखा था, देख लो है नहीं। सब में यहाँ ठीक है, कौन है
बताओ सही है या यहाँ से थोड़ा सा और कर दूँ? नीचे ही सही है मेरा तो, यहाँ ठीक है। हाँ सही है। लग गया।